गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको पर्पज़ बताने वाला हूँ। क्या पर्पज़ है जो मैं लाइव आता हूँ आपके सामने, इस पर्पज़ को आप जानिए, क्योंकि मैंने देखा है पिछले 12 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ और 12 साल से ट्रेनिंग देते वक्त अलग अलग लोगों को 9000 लोगों को ट्रेनिंग दिया, काउंसिलिंग किया, तो ये जो शक्ति है, ये जो माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, उससे लोगों के जीवन में अलग अलग बदलाव आए हैं, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, उनके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। तो ये आपके भी काम आए, इसके लिए मैंने इसके चालू किया। आप जैसे सोचते हो, जैसे कल्पना करते हो, कुछ शब्दों की कल्पना करते हो, वैसे ही आपका जीवन बनता है और उस जीवन वही जीवन आपको चलाता है। ये सेशन आपके जीवन का एक यूटर्न हो सकता है जब आप निरंतरता से इसको देखोगे, निरंतरता से आप जानोगे कि किस तरह से ये काम करता है। यह लाइव सेशन मैंने चालू किया, इसका मैंने खुद इम्प्लीमेंटेशन किया। जैसे मैंने बताया था मेरी नौकरी में क्या हुआ और किस तरह से मैंने उसमें खुद के जीवन में बदलाव लाया, ये आपको 2 दिन पहले वीडियो अपने आपने सुना था। आज ये मैंने कैसे यूज़ किया, इस शक्ति का सबसे ज़्यादा यूज़ करने का तरीका है आप शारीरिक व्याधि को ठीक करने के लिए। जैसे अभी जुलाई 2018 में एंड ऑफ द स्पाइन के एंड में टिप में मुझे दर्द होता था। मैंने 1 से 1.5 साल डॉक्टर को दिखाया था बट उसका मुझे लाभ नहीं हुआ था, या लिमिटेड लाभ हुआ था। डॉक्टर ने मुझे गद्दी या सॉफ्ट चीज़ पे बैठने को बोला था, मैंने 2 गद्दी बनाई थी, इतनी साइज की, इतनी हाइट, दूसरी इतनी हाइट, तो इधर और 2 साइड की 2 गद्दी लेके मैं कहीं भी जाता था। ऑलमोस्ट 5 से 6 महीना वो गद्दियाँ मैं कैरी करता था सॉफ्ट, और मुझे यहाँ पे जब भी मैं बैठता था टफ सरफेस पे तो मुझे दर्द होता था। मैंने इसका यूज़ किया मेरे से उसको स्वस्थ करने के लिए। पिछले 2018 के जुलाई में एक दिन मैंने डिसाइड किया, और जैसे जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ आगने वाले सेशन में, मैंने उसको खुद इम्प्लीमेंट किया और मिराकुलस रिजल्ट मुझे खुद मिला। उसके बाद से मैंने वो गद्दियाँ फेंक दी और अभी 1 साल हो गया मैंने उसको यूज़ नहीं किया। हाँ दोस्तों, तो जो मैंने यूज़ किया वही आपको बता रहा हूँ। क्या आपको इसका रिजल्ट पता है? तो एक इंसान बहुत आनंदी है और दूसरा बहुत दुखी है। क्या आपको एक इंसान पता है, एक सफलता की सीढ़ियाँ चुम रहा है और दूसरा असफल है। एक इंसान को खाने के लिए वांदे हो रहे हैं और दूसरा है कि जो चाहिए उसको मिलता है। एक महल में रहता है और एक इंसान उसको झोपड़ी भी नसीब नहीं होती। बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों से मैं मिला हूँ जो बहुत सारी साधना करते हैं बट फिर भी परेशान है, और ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते हैं फिर भी वो आनंदित दिखते हैं। तो ऐसे अलग अलग लोगों से जब मैंने मिला तो पता चला कि इसका जो रीज़न है आपके चेतन और अवचेतन, यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, बाहरी और अंतर्मन के कार्य प्रणाली की पता न होने के कारणों की वजह से है। तो अगर जैसे जैसे मेरा ये सेशन आप सुनते जाओगे तो चेतन और अवचेतन मन के कैसे काम करते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। जैसे जैसे आपके सामने इस ज्ञान उजागर होता जाएगा आपको पता चलेगा कि हाँ, इसको जीवन में कैसे उतारना है। हर एक विचार, हाँ विचार, 60,000 थॉट आते हैं अपने इस दिमाग में, 60,000 विचार प्रार्थना बनते हैं। हाँ, भगवान के सामने हम खड़े हो गए सुबह में प्रार्थना की, ऐसा नहीं होता है। अभी ये रिसर्च आ चुका है, 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा इन्वेंशन माइंड या थॉट प्रोसेस है, विचारों की शक्ति है। हर एक विचार, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप सुन रहे हो, हर एक विचार आपके अंदर उठ रहा है वो एक प्रार्थना है, और विचारों की प्रार्थनाओं की शक्ति आप समझने वाले हो। जब आप इस शक्ति को समझोगे, आप जीवन में उतारोगे, आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन में नई चीज़ें आएगी, आप जो चाहते हो आप हासिल कर पाओगे। हर एक धर्म में प्रार्थना का इम्पोर्टेंस बताया गया है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जगह प्रार्थना का महत्व हमें दिखता ही है। कोई विपत्ति आ जाती है, कोई बच्चा खड्डे में गिर जाता है,
या कोई पॉलिटिशियंस बीमार हो जाता है या कुछ हो जाता है तो सब मिलके प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना का असर होता है कि आपने पेपर में पढ़ाई होगा। हाँ, बट साइंटिफिक वे से हम प्रार्थना कैसे करनी है, जैसे मैं खुद इंजीनियर हूँ, 17 साल मैंने इंजीनियरिंग में जॉब किया, सीनियर मैनेजर बोल के मैंने जॉब मेरा 2 साल पहले क्विट किया और साइंटिफिक वे से वैज्ञानिक वे से उस प्रार्थना को मैंने जीवन में उतारा। मेरे जीवन में मैंने चमत्कार देखे, मिराकुलस रिजल्ट देखे, औरों को भी मैंने वो करवाया और उनके जीवन में भी वो वही चीज़ जो अलग अलग किताबों में मैंने पढ़ी, अलग अलग ट्रेनिंग द्वारा मैंने अपने जीवन में अपनाया, वही चीज़ें जो प्रैक्टिकल प्रूवन चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो प्रार्थना की शक्ति से आप आपके जीवन में को एक नए आयाम, एक नई दिशा दे सकते हैं। आखिरी बात ये होती है कि जब आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो तो करते वक्त आपको ऐसा भी होगा कि अरे कुछ चीज़ों प्रार्थना करते हुए अपने जीवन में रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को हमने यूज किया बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है वो भी रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। और जब इस ज्ञान को आप निरंतरता से अपने जीवन में लाओगे, निरंतरता से इसको अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो आपके जीवन की डरों को आप भगा दोगे, आपके जीवन में जो विपदाएँ हैं, सांसारिक समस्याएँ हैं, जॉब में अड़चने हैं, बिजनेस में चैलेंजेस है, कहीं पे भी जैसे हम 6 लेवल पे हम ट्रेनिंग देते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और कौटुंबिक, आपके 6 लेवल पे कहीं भी कुछ चैलेंजेस है उसको आप इस नॉलेज के साथ सॉल्व कर पाओगे, उस पर आप मात कर दोगे और एक नई पायदान पर, नई ऊंचाई पर आप जा पाओगे। हाँ दोस्तों, इस नॉलेज को आपको सिंसियरली डेडिकेटेडली सुनना होगा और आपके जीवन में अप्लाई करना होगा। इसको मैंने आसान कर दिया है, रोज 5 से 10 मिनट के वक्त मैं एक एक टॉपिक आपके सामने लेके आता हूँ और उसको दिन भर अप्लाई करने के लिए आपको बोलता हूँ। हर एक टॉपिक उस दिन का सेपरेट होता है, अलग होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा सीरीज आपको देखना होगा, बट डेफिनेटली पूरा सीरीज देखोगे तो उसका ज़्यादा लाभ ले पाओगे। बट इसकी खूबी ये है मेरे लाइव सेशन की कि आज के दिन का आपने आज सुना और उसको आज के दिन में भी अप्लाई किया तो भी आपका फायदा होगा और उसके बाद आगे के सेशन सुनते रहोगे, आपका लाभ होता रहेगा। हाँ, एक मुझे संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है, असतो मा सद्गमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसका मैं मराठी में आपको अर्थ समझाता हूँ। असतो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, तमस यानी अंधारा से अंधेरा, तमस यानी अंधेरा, अंधेरे से हमें रोशनी की ओर ले चलियो, और मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलिए। हाँ दोस्तों, ये अज्ञान ही कारण है, हमें ज्ञान नॉलेज न होने के कारण अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का, अंधेरे का हमें सामना करना पड़ता है। जब हमारे जीवन में ज्ञान की रोशनी आ जाती है तो हमारे दुखों को हम पार कर सकते हैं। यही इंटेंशन है, यही पर्पज है, यही उद्देश्य है इस लाइव सेशन का। तो दोस्तों, आप भी इस लाइव सेशन का हर रोज लाभ लीजिए। रोज 8:15 के आसपास मैं रोज लाइव आता हूँ, इसी विषय को गहराई में लेके जाता हूँ, जो मेरा रिसर्च है, जो मेरा स्टडी है, जो मैंने लाइव काउंसलिंग किया है, उन लोगों का एक्सपीरियंस आपके सामने, किस लोगों का नाम लेते हुए और किस जिनका नाम नहीं ले सकते उनका मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। नॉलेज पॉइंट प्लस एक्सपीरियंस दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ ये लाइव सेशन चलने वाला है। तो आज का दिन का समय होते जा रहा है, तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, मेरी ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे अंदर से आपसे प्रार्थना है कि आप भी इसका लाभ लीजिए, औरों को भी इसका लाभ दीजिए। और हमारा मिशन है तेज किरण ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी का, क्रिएट हैप्पी हेल्दी एंड वेल्दी फैमिली, उसके तहत आप भी समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये वीडियो आप भी लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं और लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नीचे कमेंट लिख सकते हैं और कौन से टॉपिक पर आपको मार्गदर्शन चाहिए, उसको मैं रोज आपके सामने मार्गदर्शन कर सकता हूँ।
और आज के दिन का एक्शन प्लान मैं आपको ये दूंगा। आपको अगर लगता है तो आज इस टॉपिक के ऊपर जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है इसको इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। बहुत सारे बुक्स मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारे वीडियोस भी आपके पास होंगे मार्केट में, जो बुक है वीडियोस है, या अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए कि अरे ये कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना है। हाँ हाँ, आज की पंक्ति है, आज मैं आपको दे रहा हूँ, आज मैं मन और अंतर्मन, भारी मन और अंतर्मन, इसके ऊपर मैं मेरा नॉलेज बढ़ाने वाला हूँ, इसके ऊपर का ज्ञान मैं बढ़ाने वाला हूँ। यस, भारी मन और अंतर्मन के ऊपर का ज्ञान मैं आज बढ़ाने वाला हूँ। और उस ज्ञान के साथ जैसे ही आप मेरा रोज का वीडियो देखेंगे, डेफिनेटली आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी और आपका जीवन सुखमय आनंदमय और जैसे आप चाहते हो भरपूरता से समृद्धि में आप जियोगे। और यही हमारा पर्पस है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मिशन है। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।